हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। और ये क्यों होने वाला है, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी इस वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और क्या क्या टॉपिक बात करेंगे हम, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आज जो है ना, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट बनवाने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीज़न हर बंदे के लिए। और कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज अ स्टूडेंट हम सबके पास होने चाहिए, तो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये वीडियो बनाने का, लेकिन आज से बेटर डे कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि आज मैं अपना पासपोर्ट बनवाने जा रहा हूँ और ये परफेक्ट टाइम है ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। मुझे जाना है पासपोर्ट ऑफिस, और मेरा जो टाइम है मुझे मिला है पासपोर्ट ऑफिस की से की तरफ से वो 1 बजे का है, लेकिन मुझे 12:45 पे वहाँ रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग टाइम जैसी होती है, तो उसके लिए भी मेरे को तैयार होना है। और मेरी शर्ट जो है वो प्रेस नहीं है, तो फटाफट पहले मैं शर्ट को प्रेस करता हूँ। सो फाइनली हो गया रेडी, बैग ले लिया, उसमें फाइल डाल दी, फाइल में सारे डॉक्यूमेंट है। अब निकलने वाले हम पासपोर्ट ऑफिस के लिए। But baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. फिलहाल पहुंच तो गए हम रतन स्क्वायर, मतलब ये जो जगह है जहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र है लखनऊ का, और काफ़ी भीड़ है इधर। तो फिलहाल अपने 12:45 पे हमको रिपोर्ट करना है, लेकिन अभी सिर्फ 12:30 हुए, तो अभी भी 15 मिनट हैं हमारे पास। सो फाइनली यार, तकरीबन 3 घंटे बैठने के बाद, 3 घंटे 12:30 से लेके अब 3:15 हो रहा है, और अब हम निकल रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस से। बीच में लंच ब्रेक होने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा गया, लेकिन अभी क्या है, लंच ब्रेक ख़त्म हुआ, उसके बाद काफ़ी स्पीड से काम हुआ। तो अभी फ़िलहाल पहुंच चुके मेट्रो स्टेशन के अंदर, और इधर से नीचे जाते हैं एक फ्लोर, क्योंकि अंडरग्राउंड में स्टेशन है यहाँ। ओवरहेड लखनऊ में ओवरहेड और अंडरग्राउंड स्टेशन दोनों यूजली हर जगह होते हैं, तो पकड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली मेट्रो और घर के लिए निकलते हैं। फाइनली अभी हमारा जो स्टेशन है आलमबाग का, वहाँ पहुँच चुके हैं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, सीढ़ियों से उतर गए यार। काफ़ी पूरा थकाने वाला दिन था आज का, मैं घर पहुँच के सोएंगे पूरी तरह। तो बाकी की जो डिटेल्स है ना बताऊँगा लेकिन सोने के उठने के बाद। फिलहाल नींद पूरी करनी ज़रूरी है क्योंकि सुबह भी आज जल्दी उठ गए थे। और एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, बाहर निकल के मेट्रो स्टेशन पे। यार यही प्रॉब्लम है ना, रिकॉर्डिंग करते टाइम मेट्रो की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस में ना मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पासपोर्ट ऑफिस प्रोसेस ऐसा है, ऑनलाइन फॉर्म भरो, जो फ़ी होती है 2000 रुपये या फिर 1500, किस साइज़ का पासपोर्ट ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मैंने 60 पेजेस वाला लिया, तो
मेरे में 2000 रुपये लगे, वो फी पेमेंट करो और फिर अपने जो एक डेट इशू होती है, फी पेमेंट के बाद आपको अपनी डेट चूज़ करनी होती है और डेट पर पहुँचने के बाद अंदर क्या प्रोसेस होता है वो भी बता देता हूँ। तो अंदर ये सीन ऐसा है कि सबसे पहले वो आपको एक टोकन नंबर देंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे मेन काउंटर पे एंटर करने के बाद ही, वहाँ चेक करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं या नहीं। जब वो चेक कर लेते सारे हैं तो आपको एक टोकन नंबर असाइन कर देते हैं, मेरा N443 था, ऐसे करके वो टोकन नंबर आपके उस पेपर पे लिख देंगे। फिर अंदर आपको हॉल में जाएंगे, फिर वहाँ आपको कॉल करेगा एक जन वेटिंग हॉल में, वेटिंग हॉल में आपको अपने टोकन वाइज के लिए वेट करना है टोकन नंबर का, अंदर से कॉल आएगा। फिर काउंटर पे जाओगे, वहाँ आपकी फ़ोटो ली जाएगी, थंब इंप्रेशंस लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा जाएगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन करेंगे। उसके बाद वो फिर आएगा अंदर और हॉल में भेजेंगे, जहाँ वो फाइनली वेरीफाई करेंगे आपकी चीज़ों को। वेरीफिकेशन स्टेप है, फ़ोटो खींचना और थंब इंप्रेशन यही मेन था, पर वेरीफिकेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। स्किल्स पे बात करनी है मैं, तो इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो है उस पर हम घर पहुँच के बात करेंगे। तो अभी हम रुक गए हैं आलमबाग चौराहे पे, लखनऊ के फेमस कबाब पराठे खाने। तो ये है पराठा, मैदे की लंबी रोटी बड़ी सी, और इसके अंदर होता है दाल से बना हुआ कबाब और ढेर सारी चटनी और प्याज, काफ़ी मजा आने वाला है। तो खाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। फाइनली जिनकी सारी एक्टिविटीज़ की बात, थोड़ा बहुत तो मैंने वीडियो में पहले बताया, लेकिन अब ज़रा इसको एकदम अच्छे से बात करते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको सच में चाहिए होते हैं। मेरे को ज़रा खुद को सेंटर में लाने दो, अभी सही है। पहले स्टार्ट करते हैं गलतियों से कि एक स्टूडेंट क्या क्या गलतियाँ करता है एज ए स्टूडेंट, और क्लास 11 12th के स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो उनमें से सबसे पहली गलती ये है, जो 12th में स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते हैं। तो जब अभी दिसंबर का महीना है, इस समय तक ना एक 12th क्लास के स्टूडेंट को क्या परस्यू करना है अपनी 12th के बाद, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। कोई नहीं बताएगा, कोई आपको कहता है CC कर लो, कोई कहता है सिविल कर लो, कोई कहता है मैकेनिकल कर लो, कोई कहता है लॉ कर लो। किसी को किसी की मत सुनो, पहले जानो खुद का इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि ना ये मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मेरे जानने वाला एक फ्रेंड है, उसके साथ हुआ ये। उसने पहले काफ़ी वो कन्फ्यूज़ था कि उसे करना क्या है, तो उसने पहले मैकेनिकल लिया, फिर वो सिविल में शिफ्ट हुआ, अब वो सब कुछ छोड़ के लॉ की पढ़ाई करेगा, क्योंकि अब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका इंटरेस्ट लॉ में है। तो ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और दिसंबर तक करके फिनिश रखो, क्योंकि दिसंबर के बाद मैक्सिमम स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मान लो अभी तुम 18 के हो, नहीं भी हुए और होने वाले हो 1 महीने में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टू गेटिंग सम डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड सबके पास होगा, वो सबका बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा कोई एकदम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट अगर हो तो बेस्ट है। जहाँ भी रहते हो ना, कॉलेज के लिए कहीं भी जा रहे हो, वो चीज़ दूसरी चीज़ है, लेकिन जो जहाँ प्रेजेंट एड्रेस हो, जैसे मेरा एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस मेरा गाँव का है, प्रेजेंट एड्रेस मेरा लखनऊ का है, तो जहाँ भी रहते हो वहाँ की वोटर आईडी जरूर बनवाओ। अब जब आपके पास ये सारे पैन कार्ड आधार कार्ड पहले से है, पैन कार्ड बनवा लिया, वोटर कार्ड भी बनवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, ऐसा उठा के कैसा नहीं मिलता, उसमें भी टाइम लगता है, तो प्रिपेयर करना उसके लिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लो, काफ़ी काम आने, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो ना तो वहाँ पैन कार्ड वगैरह ये सब तो नहीं पूछते, आधार कार्ड से ही काम चल जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में स्टेप कर रहे हो, ठीक है, अभी मूव करते कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ में स्टेप कर रहे हो, सेकेंड ईयर पास होते होते, पहले 2 साल तुम्हारे पास टाइम है, आराम से उसको एंजॉय करो, पढ़ाई करो, 2 साल पार करते करते पासपोर्ट ले लो। 12th में अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मेरे से पूछोगे ना कि कॉलेज चूज़ करें, मैं बोलूँगा अब्रॉड निकल जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अफोर्ड कर सकते हो बाहर की कंट्री में पढ़ाई करना, बाहर निकल जाओ। नहीं भी जा रहे हो बैचलर्स के लिए, बैचलर्स चुपचाप इंडिया में करो, इतना भी ख़राब नहीं इंडिया, बैचलर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको पासपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स पहले से होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जब मिले तुरंत ग्रैब कर सको। एक टिप ये है, कभी भी किसी ऑफिशियल काम के लिए आओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ना, जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे ना, ये सब और इंक्लूडिंग 10th और 12th की पासिंग मार्कशीट और वो जो मार्कशीट होती है, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ये सब की फ़ोटोकॉपी
मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी का एक सेट, एक से दो सेट, दो सेट रखो ज़्यादा बेटर है, हमेशा अपने पास रखो। अब स्किल्स की बात कर लेते हैं। अगर स्कूल स्टूडेंट हो आप और कॉलेज में एज मैं सी एस सी को वो बेस लेके चलूँगा, अगर सी एस सी में अपना सी एस सी सी एस पसंद है आपको, सी एस सी में जाना चाहते हो, कंप्यूटर रिलेटेड किसी में जाना चाहते हो, तो आप कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कोई लैंग्वेज सीख लो, तो नॉर्मल, एकदम डीप में नहीं जाना, थोड़ी बहुत नॉलेज हो, मतलब बेसिक सिंटैक्स आते हो, चीज़ें आती हैं उसमें लैंग्वेज में, थोड़ा कंट्रोल हो उस लैंग्वेज के ऊपर, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, सी प्लस ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, सबसे आसान है। और स्किल्स में, दूसरी स्किल्स में बात करूँ तो सबसे पहले आपको HTML आनी चाहिए, CSS सीख लो, HTML सीख लो, CSS सीख लो, JavaScript सीख लो, ये तीन चीज़ बहुत आसान है यार, एक महीने के अंदर तीनों सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। और एकदम डीप में मत जाओ कभी भी, डीप में किसी कोई नॉलेज नहीं होता, लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ी थोड़ी सीखो, जो काम किया आ रही हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते रहो, ठीक है। लेकिन एक मेन चीज़ है, 11th 12th में हो, ये सब चीज़ों को साइड में रखो, मतलब एकदम फोकस करके नहीं बैठ जाना इस पे कि हमने अब यही स्किल्स हमको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑल हमेशा एज अ स्टूडेंट हमको पता होनी चाहिए। मेरे को पता कोई नहीं बताया था ये सब चीज़ें, मेरे को भी किसी ने नहीं बताई। हाँ, ये चीज़ था, मेरे को प्लस पॉइंट था, स्कूल टाइम से मेरे को टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो गाइडेंस रही, तो ये सब चीज़ें थी। बेसिक स्किल्स में पाइथन पकड़ लो, सबसे ईजी है, किसी भी अगर लैंग्वेज कोडिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, कोडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो, अगर 11th 12th में CS ले रखी है तो कोई भी नहीं, उतना सफिशियंट है जितना क्लास में सिखाया जाता है। तो ये था कुछ मेरा आज का देन, तो ये पूरा मैसेज था मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये आप लोग सर शेयर करो यार, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ नहीं, लाइक नहीं करना कुछ में तो, लेकिन शेयर करो उनके साथ जो जिनको पता होना चाहिए। अभी हमारे कजिन्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के भाई बहन होते हैं, रिलेटिव्स में कोई होता है जो इस इंफॉर्मेशन की नीड रखता है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे शेयर करो सबके साथ। वीडियो अच्छी लगी ना तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो तो मेरा दिल ही खुश हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।